हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो यार मैं आ चुका हूँ एक न्यू वीडियो लेकर। ये वीडियो में गाइस मैं किसी Redmi Note 8 Pro के या PUBG के बारे में बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ अपने बारे में बात करूँगा। मैं कुछ क्लियर करना चाहता हूँ आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों ने मेरे को इतना प्यार दिया भाई इतने दिनों में, कुछ दिनों में, कि मेरे को आपको बताना चाहिए कि मैं हूँ कौन, क्या हूँ, अपने बारे में सब कुछ बताना चाहिए मेरे को, है ना। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इसी बात से, और गेम प्ले का साउंड थोड़ा स्लो रहेगा ठीक है इस पर, क्योंकि भाई मैं अपनी बातें बताना चाहता हूँ, गेम के बारे में कुछ नहीं बताना चाहता ठीक है। तो बस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनना भाई, और पूरा ध्यान से देखना, और फिर क्लियर करके बताना कि क्या कैसा है ठीक है। तो गाइस बात स्टार्ट होती है यहाँ से कि यार एक साल से, डेढ़ साल से मैं मेहनत कर रहा हूँ ठीक है। डेढ़ साल हो गए मिनिमम मेरे को मेहनत करते, और मुझे सपोर्ट नहीं मिलता था, बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिलता था, ये बिल्कुल सच बात है ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 50 से 100 व्यू आते थे हर वीडियो में, इससे ज़्यादा कभी व्यू नहीं आए मेरी वीडियो में। तो जब सपोर्ट नहीं मिलता था तब हैटर्स भी नहीं थे ज़्यादा ठीक है, मतलब हैटर्स थे ही नहीं। कोई ये नहीं बोलता था कि भाई तू हैक करता है, भाई तू लोकेशन हैक करता, तेरे को बंदों की पोजीशन कहाँ कैसे पता रहती है, तू चूतिया है, तू ये है वो है, कोई कुछ नहीं बोलता रहा। सब बोलते रहे भाई बहुत अच्छा खेलता है, ये वो फलाने निकालना ठीक है। अब एक साल बाद, डेढ़ साल बाद जब मेरी धोखे से एक वीडियो वायरल हुई जिस पर 1.5 लाख व्यू आ गए, तो उस वीडियो के बाद हैटर्स क्यों बढ़ गए भाई, हाँ हैटर्स क्यों बढ़ गए यार। अप्रिसिएट करना चाहिए कि एक छोटा बंदा थोड़ा सा ग्रो किया, तो यार उसको अप्रिसिएट ना करने की जगह तुम लोग मतलब ऐसी तैसी करने पे तुले उसकी, क्यों यार गाइस ऐसा क्यों। क्या कोई छोटा यूट्यूबर अच्छा नहीं खेल सकता क्या, या फिर बड़े यूट्यूबर बस प्रो हैं, ऐसा नहीं है भाई। हमने भी डेढ़ साल पहले जब हम चैनल खोला था तब मॉडल के भी 20,000 सब्सक्राइबर थे, 20,000, लेकिन वो पहले ग्रो कर गया क्योंकि उसके पास उतने टाइम अच्छा डिवाइस था, अच्छी क्वालिटी देता था, वो अच्छी परफॉर्म करता था। अब ऐसा नहीं है कि बस वो ही बस अच्छा खेलता था, सब अच्छे खेलते थे, कई लोग अच्छा खेलते हैं आज भी, ऐसे लोग हैं जो यूट्यूब में नहीं है पर वो भी बहुत अच्छा खेलते हैं, सबको टक्कर दे देंगे, ऐसे ऐसे भी लोग हैं ठीक है। तो ऐसा नहीं भाई कि जो बड़ा यूट्यूबर है वो ही बस अच्छा खेलता है, अगर वो क्लच कर जाए तो वो बाबा हीरो है, प्रो है, और अगर हम क्लच कर जाएँ तो हम हैकर हैं, ऐसा नहीं होता गाइस। मैं भी बहुत अच्छा खेलता हूँ, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ ठीक है, मेरे को पता है मैं कैसा खेलता हूँ और कैसा नहीं खेलता हूँ, तो ऐसा नहीं है ठीक है। मैंने बहुत से टूर्नामेंट भी पहले ज्वाइन किए थे, मेरी क्लैन भी थी पहले, ऐसा नहीं है कि नहीं थी ठीक है। फिर मैं सब छोड़ा क्योंकि मैं डिसअपॉइंटेड हो गया था अपने आप से कि भाई मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा वैसा मैं सब मुँह माया छोड़ दिया था। फिर अचानक से ग्रो किया, तो फिर मैं आपको गेम प्ले दिखाना स्टार्ट किया, मैं गेम प्ले भी बंद कर दिया था और बंद करने वाला ही था, अगर कुछ दिन और नहीं चलता मेरा चैनल ढंग से तो मैं बंद कर देता, क्योंकि भाई 23-24 साल का हो गया हूँ, अब कमाने धमाने की उम्र हो गई है, अगर अभी भी ऐसे ही बैठा रहूँगा गांडू जैसे तो कोई मतलब नहीं है ना। मम्मी पापा के ऊपर सिर का दर्द नहीं बनना है, उनको भी कुछ कमा के देना है भाई ठीक है। अब कमाने से याद आया, कुछ लोग बोलते हैं तू यूट्यूब में कमाने आया, अबे भाई 24 साल का हो गया हूँ, अभी नहीं कमाऊँगा तो कब कमाऊँगा, हाँ अभी नहीं कमाऊँगा तो कब कमाऊँगा, तो गांडू ही बैठा रहूँगा क्या 24 घंटे, बेरोजगार ही रहूँगा क्या, और अभी एक भी रुपया नहीं कमाया मैंने यूट्यूब में भाई। मतलब अगर थोड़ा सा चैनल ग्रो कर गया तो यार कमाने वाले आ गए, दिखाने वाले आ गए, हैटर्स आ गए, चूतिया बोलने वाले आ गए, ये क्या है भाई। अभी एक भी रुपया कमाया तक नहीं मैंने, अभी परसों ही मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ, उस पर भी तुम लोग को इतनी दिक्कत। और कुछ लोग भाई चैनल ग्रो कर दे मेरा, चैनल मेरा भी प्रमोट कर दे, मैंने बोला हाँ ठीक है कर दूंगा मैं कर दूंगा कल तक ठीक है, ऐसा बोल दिया मैंने। एक लड़के ने मेरे को बोला कि चैनल ग्रो कर दे भाई मेरा, थोड़ा सा सपोर्ट कर दे, मैंने कहा ठीक है ब्रो कल कर दूंगा, तो वो क्या बोलता है डायरेक्ट, अबे तेरी माँ की डैश डैश, करना हो तो आज कर, चूतिया मत बना, ये क्या है, क्या है भाई ये समझ में नहीं आता यार। अब ग्रो भी करवाना है, मैं तेरा कर्जा अर्जा खा के बैठा हूँ क्या जो तू मेरे को गाली देगा,
हाँ चल वो भी ठीक है भाई। एक बंदा कह रहा कि तुम ESP लोकेशन लगा के खेलते हो दूसरे डिवाइस में। अबे इतना इजी है क्या मोबाइल में हैक हैक करना? अगर मोबाइल में हैक हैक करना इतना इजी होता ना तो कोई भी कर लेता, समझा? इतना इजी नहीं मोबाइल में हैक करना। एक बंदा कहता तू भाई मोबाइल में खेलते ही नहीं, आईपैड में खेलता है। अबे एक चूतिए ये बता भाई, तू मेरी पुरानी वीडियो देख जिस पर मैं आईपैड में खेलता था, उसके कंट्रोल चेक कर, उसका रेशियो चेक कर, उसके बाद बात कर मुझसे। और अब तू बोलेगा कंट्रोल चेंज कर दिया होगा तूने, तो भाई तू पहले उसके कंट्रोल और इसके कंट्रोल में अंतर देख। इसके कंट्रोल मेरे जो बटने हैं ऊपर हैं, पूरी गोलियों वाली ये सब वाली सब ऊपर हैं, ठीक है, और उस पर सब नीचे हैं, बीच में है। आईपैड क्योंकि बड़ा होता है तो उस पर कंट्रोल्स नीचे बीच में रखने पड़ते हैं जिससे वो चल जाए, ठीक है, और मोबाइल में ऊपर। फिर बोलता है कि भाई रेशियो कैसे बढ़ा लिया, तो भाई OBS डाउनलोड कर तू भी, उस पर सब कुछ ऑप्शन है, स्क्रैच स्क्रीन करने का और छोटी स्क्रीन करने का सब ऑप्शन रहता है उस पर। तू डाउनलोड कर, फ़ोन को कंप्यूटर से कनेक्ट करके खेल, जैसे मैं बैठ कर खेलता हूँ, गाड़ फट जाती है रात भर बैठने में, पता है तेरे को, समझा? इतनी मेहनत करने के बाद अगर कोई ऐसा बोलेगा तो भाई कितना बुरा लगता है यार, कुछ बोल नहीं, मतलब छोटी छोटी सी बातों का इशू बनाते हैं यार भाई। गाइस मैं सच बता रहा हूँ, जिस दिन से मेरा चैनल ग्रो हुआ है उस दिन से मेरा खेल बिगड़ गया यार। इसलिए नहीं कि मैं घर्राने लगा है बहुत अच्छे व्यू आ गए, इसलिए नहीं यार, जैसे आप लोग मेरे को अप्रिशिएट करते हैं, जो मेरे को मतलब चाहते हैं, जो मेरे से लव करते हैं, जो मेरे को सपोर्ट करते हैं, वो मेरे को अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ बंदे ऐसा कमेंट में आके लिख देते हैं कि भाई मेरे को स्किल्स दिखाने में डर लगने लगता है अपनी, कि अगर मैं स्किल्स दिखाऊंगा तो ये लोग बोलेंगे हैकर है तू, इतनी गांड फटने लगती मेरी कि मतलब कोई वही नहीं है। 24 घंटे मेरे मन में वही भरा रहता है आजकल कि यार अगर मैं भी इनको मार दूंगा, यहां से मार दूंगा, ये क्लच कर लूंगा, वो क्लच कर लूंगा, तो बोलेंगे तू हैकर है। और जो हेडफोन की बात करते हो ना तुम लोग की 55 तुम लोग को हेडफोन, तेरे को इतनी हेडफोन की आवाज़ कैसे सुनाई दे देती है, हमको तो नहीं देती, फलाना ढिकाना, तो भाई मेरे हेडफोन में 55 मीटर दूर के बंदों की इजी तरीके से बिल्कुल सुनाई दे देता है, फुट स्टेप वगैरह ये सब, ठीक है। तुम भी खरीद लो यार, तुम्हें भी सुनाई देगा। फिर बोलते हो गेम में क्यों नहीं सुनाई देता, तो भाई गेम में मैं 4 dB वॉल्यूम कम करके रखता हूँ, क्योंकि अगर मैं उतनी भाषण सुनाऊंगा तो गोलियों की आवाज़ ही सुनाई देगी, मेरा वॉइस ओवर तो सुनाई नहीं देगा आप लोगों को। जैसे हमारे एक्स लोग ये लोग करते हैं भाई, उनकी भी तुम सुनो ना, उनके में कहाँ सुनाई देती फर्स्ट टाइम, लेकिन उनके 8-9 लाख सब्सक्राइबर हैं, तो अगर वो जो बोलते हैं कि यहाँ बंदा है तो आप लोग मान लेते हो क्योंकि उसको उनके ऊपर विश्वास है। अगर मैं वही बोलता हूँ यहाँ पर बंदा है तो तुम लोग बोलते तेरे को कैसे पता? भाई मैं वॉइस ओवर करता हूँ गेम खेलने के बाद, गेम खेलने के बाद आपको दिखाता हूँ, तो मेरे को तो पता रहेगा ना कि वहाँ बंदा है। मैं लाइव वॉइस ओवर थोड़ी ना करता हूँ, गेम खेल लूँगा उसके बाद वॉइस ओवर करूँगा ना यार। तो गाइस बस बात यही है कि यार जो हैटर्स हैं वो है, अगर थोड़ा बहुत ठीक है भाई, अगर समझ रहे हो मेरी फीलिंग्स को तो समझो, नहीं तो फिर करो भाई ऐसी कमेंट, ठीक है, करो, कोई दिक्कत नहीं है, अपने को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वही है सबका करता धरता, ठीक है। और भाई सपोर्टर्स के लिए बहुत थैंक यू, रियली दिल से बोल रहा हूँ थैंक यू, आप लोगों ने मेरे को इतना सपोर्ट किया, मेरे को यकीन तक नहीं होता कि यार मेरे को ऐसा सपोर्ट मिल जाएगा एक बार में। भाई आंसू आ गए थे जिस दिन 1.5 लाख व्यू आए थे, कसम से मेरे को इतना सपोर्ट मिल जाएगा मैंने कभी नहीं सोचा था गाइस, तो थैंक यू सो मच गाइस सपोर्ट करने के लिए। तो बस यही बातें आप लोगों को क्लियर करना था गाइस मेरे को। और हाँ, मैं कुछ दिनों बाद Redmi Note 8 Pro का गिव अवे करने वाला हूँ, तो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे पार्टिसिपेट करना है आप लोगों को, तो चैनल पे बने रहना गाइस, और जो नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, एंड मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ गाइस एक बात और कि मैं स्क्रिप्ट नहीं लिखता हूँ ये सब बोलने की, वॉइस ओवर करने की, भाई जो दिल में रहता है ना वही बोल देता हूँ, ठीक है, मतलब मैं स्क्रिप्ट वगैरह नहीं लिखता कि कहाँ पे क्या बोलना है, कितने मिनट में क्या बोलना है। कई लोग होते हैं जो ऐसा लिखते हैं फिर गेम दिखाते हैं अपना, पर मैं ऐसा कुछ नहीं करता हूँ, ठीक है, जो दिल में रहता है वो ही बोलता हूँ। और जो गेम प्ले रहता है ना, तो उसकी आवाज़ सुन सुन के मैं मतलब 2 ईयरफोन रहते हैं, एक सामने रखता हूँ और एक कान में लगाता हूँ, ठीक है, तो उसकी आवाज़ सुन सुन के मैं वॉइस ओवर करता हूँ,
कि भाई यहाँ पे बंदा है, देख देख के फिर बताता हूँ कि यहाँ पे बंदा है। तो कभी कभार मैं जल्दी बता देता हूँ आप लोगों को कि यहाँ पे बंदा है, वहाँ पे बंदा है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि इसको कैसे पता? तो भाई मैं वही बताना चाहता हूँ कि वॉइस ओवर है। मैं पहले गेम प्ले खेल लेता हूँ, उसके बाद एडिटिंग करता हूँ, फिर वॉइस ओवर करता हूँ, तो वो इसलिए मेरे को सब कुछ पता रहता है। तो उस बात को आप लोग कभी ऐसा मत समझना कि इसको कैसे पता, ठीक है? मैं आज क्लियर कर देता हूँ आप लोगों को। बस यही था वीडियो में गाइस। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना, एंड प्लीज़ सपोर्ट मी गाइस। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ गुड डे। जय हिंद।